परी के स्वयंवर में अपने लॉजिकल जादू से सबको हैरान करने आ रहे हैं वो जो ढूंढ चुके हैं अपने बेटे की आंखों में अपनी पहचान, द मैजिक मैन मनोज जैन हमारे लुधियाना से। नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, आज आप भी कुछ अलग अवतार में लग रहे हैं मुझे। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आज स्वयंवर का माहौल है, शादी का माहौल है, तो शादी में काफी काम होते हैं जो करने जरूरी होते हैं, तो मैंने भी कुछ काम अपने जिम्मे लिए थे क्योंकि हुनरबाज फैमिली का मैं भी एक सदस्य हूँ। तो ऐसे एक जरूरी काम है कार्ड। अच्छा, तो मैं कुछ कार्ड के सैंपल लाया हूँ, तो आपको दिखाना चाहूंगा। प्लीज आ जाइए। थैंक यू। देख लीजिए एक बार। कितना अच्छा लग रहा है देख के। क्या लिखा क्या उसमें दादा, आप भी चेक कर लीजिए कार्ड। अरे दादा दादा प्लीज तोड़ मत देना, प्लीज प्लीज। तो इन कार्ड्स की अभी जरूरत नहीं, इसको यहाँ साइड पे रख देते। जी सब ठीक है दादा। परिणीति वेड्स कौन है, नाम कौन है? वो ही हम ढूंढ रहे दादा। दो सर, वो अभी फाइनल करना है ना अभी, बाकी मैटर ठीक है। चलिए तो दादा अभी ये कार्ड आपके पास रख देते हैं, ठीक? अभी इसको देखना नहीं है, ऐसे पड़ा है, ठीक? कुछ मेहमान आए हुए हैं आपके लिए योग्य वर के रूप में, तो देखते हैं इनमें से कौन आपके योग्य है। मैं आए हुए तीनों मेहमानों को यहाँ बुलाना चाहूंगा। अरे वाह, पहली बार किसी ने बुलाया है। हाँ, थैंक यू। अब तो आएंगे। जी जी बिल्कुल। परी मैम जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कुछ है, और वो कुछ क्या है अभी आप देखिए। ये आपकी फोटो है लेकिन इसमें आपकी स्माइल गायब है। जी तो आप तीनों में से जो एक अटेम्प्ट में परी मैम की स्माइल ला सका तो रिप्रेजेंट करेगा कि वो जिंदगी भर आपकी स्माइल बरकरार रखेगा। जी उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ तैयारी कर रखी है। यहाँ ऐसे अलग अलग स्माइल्स हैं मेरे पास, अलग अलग लोगों की। जी इनमें आपकी स्माइल भी है। तो एक बार में अगर कोई आपकी स्माइल ला पाए तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए परफेक्ट मैच हो सकते हैं। आई एग्री, आई एग्री। एक पीस निकालिए, जस्ट एक पीस सर, एक पीस। ओके चेक कीजिए स्माइल, परी मैम की स्माइल से मैच करती है। लग नहीं रही। ओहो ठीक है, बैठिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम सर। सर ओके देखने दीजिए, ट्राई कीजिए सर। ओके तो सर अब आप बजे उसमें कुछ कमी लगी थी आपको, वो कमी क्या थी? नाम। नाम सर आपका नाम? विशाल। Don't tell me the name has appeared on the card. I will kill someone. दादा आपके पास एक फोल्डर पड़ा है, उसमें एक कार्ड था। ये फोल्डर दोबारा खोलिए और कार्ड सबको दिखाइए। क्या क्या नाम है सर? दिखाइए। परिणीति विशाल। यस। तो परिणीति मैम ये कार्ड आपके लिए। How did that happen?
आपने फिर से वो ही किया है. इट्स अनबिलीवेबल. मेरे हाथ में वो कार्ड था, उसमें कोई नाम नहीं था, एंड अब सडनली मतलब वो शिविन भी मैच कर सकता था, कोई भी कर सकता था. वो किसका नाम कैसे आया, इट इज अनबिलीवेबल. आप हमेशा ये करते हैं, आपके ट्रिक्स इतने सिंपल होते हैं बट इतने इम्पैक्टफुल होते हैं, इसीलिए आप आज तक यहाँ पर बने हैं. और आई होप कि आज भी आपको वोट्स मिले और आप और आगे बढ़ें, क्योंकि जेन्युइनली आपका मैजिक बहुत यूनिक है, बहुत एंटरटेनिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको देख के. थैंक यू मैम. इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. एंड थैंक यू बॉयज फॉर बीइंग सच अ गुड स्पॉट. थैंक यू सो मच. आ जाइए. बेटर लक. अरे विशाल भाई, मम्मी को फोन कर दो, बहुरिया मिल गई. मम्मी हाँ, बड़ी दीदी गई है अमेरिका, छोटी बिहार है. 116 चांद की रातें तुम्हारे मेरे कांधे का तिल, एनी टेकर्स मेहंदी की खुशबू. योर फेवरेट लाइन.